बच्चों अक्सर आपने इस तरह का सवाल देखा होगा जहां दो मासेस को स्प्रिंग के साथ जोड़ा जाता है, किसी एक मास को कुछ वेलोसिटी दी जाती है और वो पूछता है कि स्प्रिंग में मैक्सिमम इलॉन्गेशन या कंप्रेशन बताओ। इस सवाल को करने का तरीका क्या होता है? मैक्सिमम इलॉन्गेशन या कंप्रेशन तब आता है जब दोनों ब्लॉक की वेलोसिटी सेम होती है। तो पहले मोमेंटम कंजर्वेशन लगा के उस वेलोसिटी की वैल्यू निकाली जाती है और फाइनली एनर्जी कंजर्वेशन लगाकर मैक्सिमम कंप्रेशन या फिर इलॉन्गेशन की वैल्यू निकाली जाती है। बट इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। आपको मैं एक छोटा सा तरीका बताता हूं, आप डायरेक्ट एक फॉर्मूले की मदद से मैक्सिमम इलॉन्गेशन या कंप्रेशन निकाल सकते हो। यह सेंटर ऑफ मास फ्रेम का वर्क एनर्जी थ्योरम, हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, v रिलेटिव फाइनल स्क्वायर माइनस v रिलेटिव इनिशियल स्क्वायर इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। यहां पे सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंग फोर्स काम कर रहा है, इसलिए माइनस हाफ kx स्क्वायर 1 बाय 2 m इनटू 3m अपॉन 4m। फाइनल वेलोसिटी रिलेटिव जीरो आ गया, इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी v नॉट स्क्वायर आ गया। डायरेक्टली यहां से आंसर आ सकता है।